मेरा नाम काशिफ काजमी है, ये मेरा बेटा है अमर हुसैन, माशाल्लाह 10 ईयर्स का हो गया। लेकिन जब ये पैदा हुआ था तो इसके दोनों तरफ से होंठ और तालू जो कटे हुए थे, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट था। तो जब मैंने पहली दफ़ा देखा तो आई वॉज शॉक्ड कि वो हमारे लिए बड़ा, बल्कि कभी इस तरह का बच्चा पहले देखा ही नहीं था। तो पूरी फैमिली बहुत परेशान हो गई और कुछ लोगों ने कहा कि शायद आपको किसी चीज़ की सज़ा मिली है। मेरी वाइफ बेचारी बड़ी, पहला बच्चा था चूँकि बड़ी परेशान हुई। उसके बाद वो जब इसको वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल लेके जाती थी तो पूरा कवर करके लेके जाती थी इसका चेहरा भी, ताकि कुछ देखे ना। शुरू में जब ये पैदा हुआ था तो उसको फीड करने में बड़ा मसला था। इवन कि ये न्यूनेट वार्ड में भी रहा कोई 5-6 दिन, इसको जब वो फीड कराने की कोशिश करते थे तो वो सीधा इसके लंग्स में चला जाता था। प्रोफेसर शहजाद शम्स जो कि सर्विसेज में न्यूरो के हेड थे उस वक्त, उनसे मेरा रिलेशनशिप था, उनसे मैंने जिक्र किया तो उन्होंने मुझे आपकी डॉक्टर गुलाम कादिर फयाज साहब की तरफ रेफ़र किया। फिर आपसे मिला, आपने बड़े अच्छे तरीके से डील किया तो बड़ी तसल्ली हुई। उसके बाद जब इसका पहला लिप का जो ऑपरेशन था 4 महीने की एज में हुआ था, फिर जब इसका पैलेट का ऑपरेशन हुआ जब ये 1.25 साल का था, तो माशाल्लाह उसके बाद से ये बिल्कुल ठीक है। अभी ये रिवीजन हुई है इसके नोज़ की पिछले महीने, 1.5 महीना पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी देख के मुझे अंदाज़ा होता है बाकी बच्चों को भी कि इसका जो है ना बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। दूसरा, इसको स्पीच थेरेपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बोल आवाज़ इसकी बिल्कुल क्लियर है, माशाल्लाह सही बोलता है, सही बातचीत करता है। 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 बाबा बबल खाते हैं, राइल फवारे से टकराया। पेरेंट्स के लिए मैं उनको एडवाइस करूंगा कि अगर कहीं इस तरह का बच्चा पैदा होता है तो उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, किसी किस्म का वहम करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही लोगों से डरने की बात ज़रूरत है कि जी इस तरह का बच्चा पैदा हो गया। तो ये ऐसी डिफॉर्मिटी है कि जिसका इलाज मुमकिन है और डॉक्टर गुलाम कादिर फयाज साहब माशाल्लाह उनकी बड़ी स्पेशलिटी है इस फील्ड में, हज़ारों के तकरीबन ऑपरेशंस कर चुके हैं। तो आप इनसे रابطہ करें और इंशाल्लाह अल्लाह आपके बच्चे को शिफा देगा।